तो कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य झा स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत से दिखने वाले फ़ोन का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट कैमरा रिव्यू। तो आप लोग इसका वीडियो टेस्ट, स्लो मोशन टेस्ट और जितने भी चीज़ें हैं, बहुत सारी फंक्शन दिए हुए कैमरा में, वो सारे फंक्शंस को बारी बारी से अभी आपको मैं कम्प्लीटली करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और चैनल पर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब। अभी फ्रंट कैमरे के फुल HD से अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और किसी भी तरह का कोई भी माइक्रोफोन मैंने ना अटैच किया है और ना ही पूरा वीडियो में अटैच करने वाला हूं। तो जो भी आवाज़ आप लोग सुनेंगे वो फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड होगा। तो ये है फुल HD और अभी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो 4K और 60 FPS पे, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वालिटी कैसा लग रहा है। ये हाईएस्ट क्वालिटी है फ्रंट कैमरे का, जो कि 4K वीडियो पे 60 FPS और 30 FPS दोनों आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस तरह का बैकग्राउंड ये ले रहा है। और वहीं अगर मैं इसके स्टेबलाइजेशन का बात करूँ तो अभी चलिए कुछ चल के देखते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग स्टेबलाइजेशन किस तरीके से कर रहा है फ़ोन। और अगर मैं थोड़ा सा और तेज़ चलूँ तो यहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि स्टेबलाइजेशन किस तरह का रख रहा है फ़ोन और बैकग्राउंड को किस तरह से मैनेज कर रहा है। तो चलिए, यह था फ्रंट कैमरा। अभी देखते हैं हम लोग फोटो। तो अभी आपने देखा फ्रंट कैमरे का कंप्लीट कैमरा का वीडियो क्वालिटी और अभी आप लोग को मैं सेल्फी कुछ क्लिक करके दिखाता हूँ इस फ़ोन से। और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ये था नॉर्मल फ़ोटो मोड का फ़ोटो क्लिक किया हुआ और ये है पोर्ट्रेट मोड का। ठीक है, पोर्ट्रेट पे कैसा आ रहा है और नॉर्मल फोटो मोड पे कैसा क्लिक हो रहा है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको मैं जूम इन करके एक बार दिखा देता हूँ। तो ये एक फ़ोटो पोर्ट्रेट मोड पे लिया हुआ है, देख सकते हैं ये बैकग्राउंड को किस तरह से मैनेज कर रहा है। तो ये था पोर्ट्रेट मोड और अभी चलते हैं एक नॉर्मल फ़ोटो मोड का फ़ोटो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल फ़ोटो मोड पे खींचा हुआ है। इसको जूम करके देखते हैं कि कैसा पिक्चर का क्वालिटी रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे हैं बैक कैमरे का फुल HD और साउंड कैसा आ रहा है वो आप लोग बताइएगा। बाद बाकी बैकग्राउंड वो किस तरह से यहाँ पर मैनेज कर रहा है कैमरा वो आप लोग देख सकते हैं। कलर वगैरह, कलर बूस्ट वगैरह अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग खुद बताओ कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के सामने है। तो ये था बैक कैमरे का फुल HD। अभी स्विच करते हैं 4K मोड पे और फिर क्वालिटी देखते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं 4K वीडियो जो कि 60 FPS पे शूट हो रहा है। 13 MP का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं अल्ट्रा वाइड पे कैसा सारा कुछ मैनेज हो रहा है वो आप लोग बताइए। और अभी आते हैं 1X पे स्विच करिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 1X पे किस तरह का क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है। उसकी देखो कि आप लोगों का बैकग्राउंड इन्हांस वगैरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो बताइए। यहाँ पे जैसे ग्रीनरी है तो यहाँ पे आप लोग बताइए। बाद बाकी मेरे पीछे वहाँ पे कलर है, कलर बूस्ट हो रहा है। अभी मैंने देखा था वीडियो क्लिप लेने के बाद फुल HD वाला, तो कलर बूस्ट तो कर रहा है फ़ोन। तो आप लोग बताओ कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वीडियो क्वालिटी, वो बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पानी वगैरह देख सकते हैं, बाद बाकी कलर वगैरह बिल्डिंग का देख सकते हैं और यहाँ पर ग्रीन प्लांट वगैरह है, यहाँ से भी आपको अंदाज़ा लग सकता है। और साउंड कैसा आ रहा है वीडियो में वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि साउंड कैसा फ़ोन ले रहा है। तो ये था हाईएस्ट वीडियो क्वालिटी बैक कैमरा का जो कि अभी आप लोगों देख रहे हैं। तो चलिए लगे हाथ अभी हम लोग कर लेते हैं कैमरे का जूमिंग टेस्ट। और ये है 1X पे, अभी इसको स्विच करते हैं 2X पे। ये अपना 2X पे कुछ इस तरह का क्वालिटी आ रहा है। अभी स्विच करते हैं 4X पे, अभी स्विच करते हैं इसे 6X पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईएस्ट जूमिंग मोड है 6X, इसमें कुछ इस तरह का यहाँ पे क्वालिटी आ रहा है। तो एक स्पोर्ट कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्काई को यहाँ पे मैं स्पोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखते हैं कलर को इसका डाउन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर किस तरह से इसका डाउन हो गया और इसको बढ़ाने के बाद ये अप होता चला जा रहा है। तो यही है इसका स्पोर्ट कलर वीडियो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस फ़ोन में आपको एक और बेहतरीन सा फीचर देखने को मिलता है, ड्यूअल कैप्चर मोड, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। ये फ्रंट कैमरा का ये बड़ा वाला स्क्रीन मेरा भी शो हो रहा है और छोटे वाले स्क्रीन पे बैकग्राउंड आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे एरो का स्विच मिलता है एक, और उसे आप जब लोग स्विच करोगे तो छोटा वाला में अभी जैसे मैं आ रहा हूँ और बड़े वाला में बैकग्राउंड अभी पूरा कैप्चर हो रहा है। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ये मैनेज कर रहा है। और ये 0.5X पे है और इसमें भी 0.9X तक का आपको जूमिंग मिल जाता है।
जो इसमें भी आप लोग जूम वगैरह कर सकते हो। ये अब हम लोग देखते हैं बैक कैमरे का फोटो टेस्ट, फोटो इस फोन में कैसा आता है। तो यहाँ पे आइए देख सकते हैं आप लोग, कुछ पौधा वगैरह है यहाँ पे, प्लांट लगा हुआ है, इसका भी फोटो क्लिक करते हैं और आपको स्क्रीन पे ये शो होता रहेगा कि किस तरह से फोटो निकल के आ रहा है। ठीक है, ये था 1x पे, अभी एक अल्ट्रा वाइड पे लेते हैं 0.5x पे और एक 2x पे ले लेते हैं। तो तीनों मोड का आपको फोटो देखने को मिल गया होगा और ये था अभी नॉर्मल फोटो मोड। अभी क्लिक करते हैं पोर्ट्रेट पे एक दो फोटो, चलिए तो पोर्ट्रेट पे देख लेते हैं। जैसे कि यहीं पे क्लिक करते हैं हम लोग पोर्ट्रेट मोड पे, पोर्ट्रेट मोड पे भी आपको 24mm, 35mm एंड 50mm का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए ये था 24mm का फ़ोटो और अभी 35mm पे स्विच करते हैं और इस पर फोटो क्लिक करते हैं। जैसे चलिए इसका एक ऐसे लेते हैं क्लिक हैंड का, अभी था 35mm का ये फ़ोटो और अब स्विच करते हैं 50mm पे और अभी देखते हैं इसमें कैसा फ़ोटो आता है। 50mm का मतलब कि जूमिंग वगैरह 24mm पे जैसे अल्ट्रा वाइड होता है वैसे 35mm पे 1x की तरह और 50mm पे 2x की तरह जूमिंग वगैरह इसमें पोर्ट्रेट मोड पे भी आपको मिल जाता है। तो ये था इसका पोर्ट्रेट मोड और अभी हम लोग इसका देखते हैं प्रो मोड। जब आप प्रो मोड पे डालेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये खुद पर खुद सारी चीज़ों को मैनेज करने लग जाता है ऑटोमेटिक, और आप लोग खुद से भी अगर चाहो तो यहाँ से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है इन सभी चीज़ों का। तो मैं इसे ऑटो मोड पे ही रहने देता हूँ और इस पर कुछ फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं। आइए प्रो मोड पे एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक प्लांट है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो इसका एक प्रो मोड में फ़ोटो लेते हैं कि कैसा आ रहा है। और इसमें प्रो मोड का आप लोगों ने फ़ोटो देख लिया और अभी देखते हैं हम लोग एक मोड इस पर और दिया हुआ है माइक्रो मोड का, प्रो पे मैक्रो मोड पे लेते हैं। जैसे इसमें मैक्रो मोड है प्रो मोड पे, तो मैक्रो फोटो कैसा लेता है वो देखते हैं अभी हम लोग। तो ये था मैक्रो मोड का फ़ोटो, मैक्रो पे भी और लेते हैं। अभी ऊपर बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था भाई, तो अभी नीचे आ गए हैं और फ़ोन का माइक्रो मोड जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी कुछ फ़ोटो और मैक्रो मोड के लेते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लावर है। आइए यहाँ पे एक माइक्रो मोड पे फ़ोटो लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये फ़ोटो क्लिक कर रहा है। चलिए एक तो ये जो अभी आप लोग देख रहे हो फोन पे वो अभी नॉर्मल फ़ोटो से माइक्रो मोड है, नॉर्मल फ़ोटो का जो माइक्रो मोड है उस पर ये फ़ोटो क्लिक हुआ हुआ है। कैसा आया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और क्या है इसमें अभी पोर्ट्रेट पे भी, पोर्ट्रेट तो आपको दिखाई दिया मैंने, इस पर भी टाइम लैप्स है, तो टाइम लैप्स का भी वीडियो अभी आप लोगों को शो होगा। तो आप लोगों ने टाइम लैप्स का वीडियो कंप्लीट देखा, बहुत ही मेहनत से भाई वो मैंने शूट करा था जो कि अभी आप लोगों ने देखा है। कैसा लगा आपको इस वीडियो, इस फ़ोन का टाइम लैप्स, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अभी एक चीज़ रह रहा है इस फ़ोन का, वो है स्लो मोशन टेस्ट, तो चलिए वो भी अभी कर लेते हैं। अभी एक प्लांट है यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा, इसको भी मूव करते हैं और देखते हैं स्लो मोशन ये कैसा रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, जैसे इसको भी कैमरे को स्टार्ट करते हैं और इस पर फोकस करते हैं और इसको मूव करते हैं एक बार और फिर से। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा स्लो मोशन किस तरीके का आया है, आप लोग स्लो मोशन का भी कमेंट करके बताना कि कैसा आपको लग रहा है। सो फ्रेंड्स, यही था मोटोरोला एज 50 फ्यूजन का कंप्लीट कैमरा रिव्यू, पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका हम लोगों ने स्लो मोशन वीडियो टेस्ट, फोटो टेस्ट
पोर्ट्रेट, टाइम लैप्स, प्रो, जितने भी और भी डुअल कैमरा मोड जो भी फंक्शन इसमें दिए हुए हैं सारा कुछ मैंने आपको करके दिखाया है। और इसके साथ साथ ये फ़ोन वाटर प्रूफ भी है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका वाटर प्रूफ टेस्ट भी हम लोग कर लेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, चूँकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाइएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को करना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।